मल्टी फूड प्राइवेट लिमिटेड गया बिहार में हमने प्रोजेक्ट करना है, तो रेडी टू डिस्पैच प्रोजेक्ट है। आपको इसके बारे में छोटा सा ब्रीफ आज हम इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको शेयर करेंगे। बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है इनकी, जैसे कि नाम से भी है कि मल्टी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की इनके पास एक्सपर्टीज है। 30 KLD का ये ETP प्लांट है, अभी अंडर ट्रायल है हमारा डेफ डिजोल एयर फ्लोटेशन सिस्टम। इसमें हैवी एमर्सिफाइड ऑयल, ग्रीस ऑयल और BOD COD के जो पैरामीटर्स हैं, एक्सेस पैरामीटर्स हैं, उसको ये रिड्यूस करता है 40%। अभी ये अंडर ट्रायल है डेफ, बाकी हमारा 30 KLD का ETP जो हमने रेडी टू डिस्पैच है, इसके बारे में अब हम आपको थोड़ा ब्रीफ करते हैं। ETP प्लांट के फर्स्ट इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट पार्ट में कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशंस पोर्शंस हैं, फैब्रिकेटेड यूनिट है। आप इसके प्रोसेस फ्लो डायग्राम का जो व्यूज़ हैं उसको आप देखेंगे तो इसमें एफ्लुएंट इनलेट्स, बार स्क्रीन चैम्बर, एफ्लुएंट कलेक्शन, कमिकुलाइजेशंस, फ्लोकुलेशंस, कोगुलेशंस, डेफ, हमने इसके अंदर 2 ट्यूब सेटलर्स टैंक को इंस्टॉल किया है और लास्ट में हमारा जो इस प्रोसेस का कंप्लीट पार्ट है फिल्टर फीड टैंक तक हम आपको डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। इसके बाद आगे भी प्रोसेस हैं बट ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कोगुलेशन फ्लोकुलेशंस, ट्यूब सेटलर 1, एरेशन टैंक, ट्यूब सेटलर 2 एंड फिल्टर फीड टैंक। जैसा आप देख रहे हैं कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन टैंक का आपको ऊपर की साइड से दिखाई दे रहा है। इसमें कोगुलेंट और फ्लोकुलेंट्स को केमिकल्स के थ्रू रिएक्शन करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है थर्ड, ट्यूब सेटलर टैंक, इसके अंदर हमने ट्यूब डेक मीडिया इंस्टॉल किया हुआ है, वो TSS और स्लज को सेपरेट करेगा फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ट्यूब सेटलर 2 हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। जो नेक्स्ट है एरेशन टैंक, ऑक्सीडेशन करने के लिए ट्यूब सेटलर फर्स्ट टैंक के बाद में हमने एरेशन टैंक का इसके अंदर यूज़ किया। इस टैंक के अंदर ऑक्सीडेशन करने के लिए हमने एयर लाइन को इसके अंदर इंस्टॉल किया है मेम्ब्रेन्स डिफ्यूज़र्स के थ्रू। मेम्ब्रेन डिफ्यूज़र्स इनमें इंस्टॉल्स है टैंक्स के अंदर। नेक्स्ट जो ट्यूब सेटलर टैंक है, ये एक सेकेंड स्टेज में ट्यूब सेटलर हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि एफ्लुएंट्स के जो पैरामीटर्स हैं थोड़े क्रिटिकल्स हैं, इसके लिए हमने ट्यूब सेटलर सेकेंड का इंस्टॉल करना इसके अंदर ज़रूरी था TSS काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से। लास्ट में जो ये टैंक है हमारा फिल्टर फीड टैंक, ये जो ETP का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमारे इस ट्रीटेड वाटर टैंक के अंदर, जो कि फिल्टर फीड टैंक बोल रहे हैं हम इसको, फिल्टर फीड टैंक में सारा वाटर इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, उसके बाद में हमने वेसल्स के थ्रू इस वाटर को पास ऑन करेंगे और हम इरीगेशन में या फिर नेक्स्ट लेवल पे प्रोसेस में UF4RO के बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।